हरिद्वार से अब खबर, जहां हरिद्वार में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली से घायल हुआ 50,000 का इनामी बदमाश देशराज, जहां देशराज ने पुलिसकर्मी प्रीतपाल पर हमला कर फोड़ी थी उसकी आंख। तो वारदात के बाद से फरार चल रहा था इनामी बदमाश देशराज। एसएसपी अजय सिंह ने सारे ऑपरेशन की खुद कमान संभाली है। घायल बदमाश देशराज को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के शिवालिक नगर कांड में फरार चल रहे बदमाश देशराज को कोतवाली रानीपुर एवं बहादुराबाद पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी अपराध को अंजाम देकर 7 महीने से फरार चल रहा था। बदमाश पर पुलिस के सिपाही की गुलेल से आंख फोड़ने का आरोप है। बदमाशों के बीच हुई क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय भेज दिया गया है। होने पर चिता वाले जो हमारे चेतक वाली जो पुलिस थी वो भी गए पीछे, लेकिन एक हवा में फायर किया गया जिससे वो समझ गए कि बदमाश है। तो तत्काल इसकी सूचना जो है सेट के माध्यम से अधिकारीगढ़ को सभी को दी गई थी। इसमें इसके बाद जो है जब टीम वहाँ पहुँची तो घेराबंदी करने के बाद जो एक व्यक्ति था वो भी जंगल की तरफ वहाँ से भागा, जो दोनों लोग साथ थे। और इसमें जो हमारे CIU की टीम थी सभी को अलर्ट कर दिया गया और करीब आधे घंटे 45 मिनट बाद जो है एक बदमाश जो फायर जिसने किया था पुलिस के ऊपर जो कर रहा था वहाँ पर, उसके फायर करने का जवाबी फायरिंग में उसके 2 गोली लगी है जो टांग में लगी है। और शक होने पर चिता वाले